नए चैप्टर का नाम लिखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ब्रैकेट में आप लिख लो इम्पॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, तो कन्फर्म्ड ही रहता है लगभग लगभग। बाकी इजी चैप्टर है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो लिखो सबसे पहले फर्स्ट एरो डाल के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लेना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस को। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम है, क्या है वो भी समझाता हूँ। तो इट शोज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो पहले एक फ़नी एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बताऊँगा कैसे फिट होता है। तो अभी क्या हुआ, पिछले दिनों शाम को जब मैं घर जा रहा था ट्यूशन के बाद, तो रास्ते में मुझे 3 गुंडे मिल गए। इधर ही 34 में एंटर करते समय, तो फिर मेरे से वो लड़ने लगे। तो मैंने तो उनको वॉर्न करा, मैंने कहा देखो पास आओगे खामखा पिटके जाओगे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। तो आने लगे वो तीनों जने। तो जब वो तीनों जने आने लगे, तो मैंने पहले वाले को मारा, तो वो बहुत दूर जाके गिरा। फिर दूसरे वाला आया आगे, फिर दूसरे वाले को मारा, क्यों वो बहुत दूर गया ना, वो दूसरे वाले को जब मारा वो तो और ज़्यादा दूर जाके गिरा। अच्छा, लेकिन तीसरा वाला जो था वो थोड़ा सा बलशाली था, उसका वज़न ज़्यादा था, मतलब हैवी था, बदमाश तो नहीं था, लेकिन जब उसको थप्पड़ मारा तो वो थोड़ा सा ही पीछे गया। तो अब बेसिकली ये जो फ़नी कहानी सुना रहा हूँ, मतलब इसका पॉइंट ये है कि मैंने थप्पड़ तो मान लो तीनों को मारे सेम इंटेंसिटी से, लेकिन उसका इफ़ेक्ट तीनों पर अलग अलग पड़ा। तो यहाँ पर हमें फोकस करना है कि पहला गुंडा थोड़ी दूर जाकर गिरा, दूसरा गुंडा तो बहुत दूर जाकर गिरा, तीसरा गुंडा थोड़ा सा ही दूर गिरा। सेम चीज़ अब डिमांड के अंदर कैसे होती है, अब मैं अपने आप को चेंज कर देता हूँ, मैं बन जाता हूँ प्राइस, है ना। तो जब प्राइस चेंज होता है तो ये गुंडों को मैं क्वांटिटी बना देता हूँ। नहीं नहीं, ड्रॉ नहीं करना, ना ना ना। तो गुंडों को मैं चेंज करके बना देता हूँ क्वांटिटी। तो जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी चेंज होती है, ये हमने पढ़ा था डिमांड में, है ना। लेकिन क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, अब अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो गई ये भी हो सकता है, बहुत थोड़ी सी चेंज हुई ये भी हो सकता है। तो ये कितनी चेंज हो रही है क्वांटिटी, इस चीज़ को जब हम मेजर करते हैं या इस चीज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तब उसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, ये मतलब है। और किस वजह से चेंज होता है क्वांटिटी में, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये दो शब्दों का मतलब खेल बन गया। तो लिखो सेकेंड एरो डाल के, ई और नीचे छोटा सा डी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम शॉर्ट में ऐसा ई डी लिख लेते हैं। हाँ, तो इसका एक फॉर्मूला बन गया, एक लिख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अभी तो आप खाली इतना लिख लो, बाद में आपको और डिटेल से कहूँगा। तो इलास्टिसिटी का मतलब बेसिकली होता है कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया डिवाइड बाय हमारे प्राइस में कितना चेंज आया। अब इसके नीचे लिखना डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक हेडिंग है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना।
डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो तो लिखो सबसे पहले नंबर वन। तो टोटल पांच डिग्रीज होती हैं, ठीक है। तो हम पांचों डिग्री के बारे में लिखेंगे, लिखते लिखते भी थोड़ा समझेंगे, और अल्टीमेट तो जब पांचों लिख लेंगे उसके बाद समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर वन, इसका नाम है लेस देन इलास्टिक। लेस देन इलास्टिक, इसके ब्रैकेट में लिखना है ईडी लेस देन वन। ईडी इज लेस देन वन, तो इसमें लिखना डैश डाल के कि क्या होता है। इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अभी समझाऊंगा लेकिन पहले आप लिख लो। नंबर टू, मोर देन इलास्टिक, इसके ब्रैकेट में लिखना है ईडी मोर देन वन। ईडी मोर देन वन, इसमें लिखना डैश डाल के इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और थ्री, थर्ड का लिखना है यूनिटरी, यूनिट लिख के ए आर वाई, यूनिटरी इलास्टिक, इसके ब्रैकेट में ई डी इज इक्वल्स टू वन, इसमें लिखना एरो डाल के इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अभी खाली पहले तीन लिखना है हमें, हैं तो पांच लेकिन अभी खाली तीन लिखने हैं। आ जाओ स्टेज पर। तो अभी पहले तीन लिख के तीन समझेंगे, तो आप पहले तीन लिख लो। एक है लेस देन इलास्टिक, नंबर टू है मोर देन इलास्टिक, नंबर थ्री है यूनिटरी इलास्टिक। बाकी जो ये लिखा है आपने अभी इसको भूल जाओ, चाहे इसको हम समझेंगे अभी नीचे। तो आपको इसके नीचे तीन डायग्राम बनाने हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। अगर आपके हाथों में अच्छी कला है तो एक साथ बना लो, और अगर थोड़ा सा एक डायग्राम नीचे बनाना है तो नीचे बना लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो तीन चित्र बनाने हैं हमको, तो अगर आपके हाथों में अच्छी कला है तो एक साथ बना लो, और नहीं तो नीचे बना लेना एक एक करके। सबसे पहले ओरिजिन मार्क कर लो, और एक्स एक्सिस पर आपको लिखना है क्वांटिटी। और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? प्राइस। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो ही चीज़ों की बात करते हैं। तो जैसे मेरी कहानी में मैं और गुंडे, तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, अब किस किस को याद है बताओ। वो बच्चा पहले ओरली बताएगा, बनाना नहीं है। डिमांड कर्व किस किस को याद है? ठीक है, तो कैसा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाँ याद है। डिमांड कर्व कैसा होता? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अब मैं तीन डिमांड कर्व बनाऊंगा, ठीक है, फिर आप देखकर ऑब्जर्व करके फिर वैसे ही बनाना, ठीक है। तीन डिमांड कर्व बनाऊंगा। पहले वाले का डिमांड कर्व आपको बनाना है ये, दूसरे वाले का डिमांड कर्व आपको बनाना है ये,
और तीसरे वाले का डिमांड कर्व आपको बनाना है। ये तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन हल्का हल्का तीनों में फ़र्क भी है। हैं तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन तीनों में हल्का हल्का फ़र्क भी है। तो बताओ क्या फ़र्क है? अरे पोजीशन नहीं, नहीं नहीं, और थोड़ा और अच्छा वाला बताओ फ़र्क। आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको तो देखते ही फ़र्क बताना है। पहले वाले का स्लोप बहुत ज़्यादा है। अब बनाना मत, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पत्थर रख के छोड़ोगे तो बहुत तेज़ गिरेगा, वेरी गुड। दूसरे वाले का स्लोप बहुत कम है, पत्थर रखोगे आराम से गिरेगा। हाँ, तो ये होता है बात, स्लोप। तो आपको स्लोप वर्ड बोलना चाहिए ना। तीसरे वाले का ओके ओके गिरेगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा धीरे, दूसरे वाले से थोड़ा तेज ज़्यादा, राइट। तो बेसिकली डिफरेंस ये है, जो टेक्निकल टर्म है, कि इन तीनों के स्लोप्स अलग हैं। इन तीनों के क्या अलग हैं? स्लोप्स अलग हैं। तो बना लो पहले, तो आप ये बना लिए। चलो तो वन से शुरू करेंगे। तो वन में आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ एक P0 लेवल मार्क करना है, प्राइस, इनिशियल प्राइस, और वहाँ से आगे आ जाओ, और जैसे ही डिमांड कर्व पे टच हो जाए तो नीचे आ जाओ, मार्क कर लो Q0। ठीक है, साथ साथ बनाना, तभी मज़ा भी आएगा आपको। तो बना लिया P0 Q0। अब P0 को आप कम कर दो, मतलब प्राइस को बिल्कुल आधा कर दो, 50% मान लो, आधा कर दो P1, और फिर डॉटेड लाइन लेकर आगे बढ़ो और क्वांटिटी देखो कितनी बड़ी है। Q1। तो आपको सबको अपने अपने डायग्राम पर चेक करके ये देखना है कि क्वांटिटी जो बढ़ रही है, जो क्वांटिटी में चेंज है, वो एज कम्पेयर टू प्राइस, अपने अपने डायग्राम में देखो कि कम है या नहीं है। yes, सबके अपने डायग्राम में, अपने अपने पड़ोसियों को भी चेक कर लेना, कम है। मतलब मैं इसको अब इंग्लिश में ऐसे लिख देता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो लेस है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो आप सब बच्चे संतुष्ट हो। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको समझ आ गया। तो पहले आपके ये अपने डायग्राम में चेक करना, मेरा तो सही है, मुझे बताए आपके डायग्राम में क्वांटिटी का जो चेंज है क्या वो कम है। yes, सही है, वेरी गुड। तो आपका पहला डायग्राम सही हो गया। चलो अब दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। दूसरे डायग्राम पर भी हम बनाते हैं एक पहले P0 इनिशियल प्राइस, ठीक है, और वहां से मार्क हो जाएगा Q0, फिर रेड कलर के पेन से। अब प्राइस को थोड़ा सा कम करना है आपको, बहुत थोड़ा सा, P1। कर दिया प्राइस कम, और वहाँ से फिर डॉटेड लाइन बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो, और क्वांटिटी में जो भी चेंज हो अपने डायग्राम पे वो मार्क करो, और फिर मुझे खुद बताओ आपकी इस बार आपने क्या ऑब्जर्व करा। इस बार आप अपने डायग्राम में चेक कर लेना, मेरा तो सही है, मुझे बताए, आपका भी सही है, कि क्या क्वांटिटी का चेंज इस बार ज़्यादा है, चेक करो। प्राइस के चेंज के मुकाबले ज़्यादा है भाई, ठीक है, अपने अपने डायग्राम में आप देख लो, संतुष्ट हो जाओ। क्वांटिटी का चेंज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब आपका सेकंड डायग्राम भी सही है, ठीक है। तो पहले दो डायग्राम में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो तीसरे में P0 मार्क कर लेते हैं, और P0 से इनिशियल क्वांटिटी Q0 मार्क कर लेते हैं, फिर प्राइस कम कर देते हैं P1, और प्राइस कम करके
नई क्वांटिटी मार्क कर लेते हैं Q1। तो अब आप बताओ कि इस बार क्या ऑब्जर्व करा आपने? तो अपने डायग्राम पे चेक करना, मुझे बताया मेरा तो ठीक है, आपका भी सही है, मतलब थर्ड डायग्राम में दोनों के चेंजेस बराबर आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो देखो आपकी पड़ोसन के तो नहीं आ रहे, वो मना कर रही है, तो इसका मतलब डायग्राम गलत हो गया। तो थर्ड डायग्राम में आपके दोनों चेंजेस क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो बड़ी जिम्मेदारी से अपने अपने पड़ोसियों का ज़रूर चेक कर लेना डायग्राम, गलत ना हो जाए। तो पहले डायग्राम में क्वांटिटी में चेंज कम आना चाहिए, दूसरे डायग्राम में क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आना चाहिए, तीसरे डायग्राम में दोनों का चेंज बराबर आना चाहिए। तो मतलब ये वही तीन गुंडे हैं। तो ये वाला वो भारी वाला गुंडा है जिसमें क्वांटिटी में चेंज कम आया, दूसरा वाला वो वाला गुंडा है जो बहुत दूर जाके चला गया, तीसरा वाला ओके ओके। तो इलास्टिसिटी जो होती है वो यही चीज़ मेजर करती है कि कब क्वांटिटी में डिमांड कम है, मतलब चेंज है, कब क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है और कब क्वांटिटी में चेंज बराबर है। तो इसीलिए इनकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली क्या आती हैं, तो पहले वाले की वैल्यूज़ क्या आ जाती है, तो वो लिख देते हैं, पहले वाले को बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन वन। तो पहला डायग्राम कौन सा वाला डायग्राम है? ED लेस देन वन का। तो पहला डायग्राम है लेस देन इलास्टिक का। फिर उसके बाद दूसरा डायग्राम ED मोर देन वन, इसमें इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और तीसरा ED इक्वल्स टू वन, इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है ना कम है ना ज़्यादा है, वन के बराबर है। तो इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट का मतलब होता है वन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूनिटरी इलास्टिक। चलो तो पहले तीन डायग्राम तक बताओ आप संतुष्ट हो भाइयों बहनों? कोई भी दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो बड़े आगे बड़े बन गया, लिख लिया। चलो अब चौथी और पांचवी डिग्री और लिखेंगे, क्योंकि चौथी और पांचवी डिग्री जो है वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होती है मतलब, तो इसीलिए उनको अलग से लिखते हैं। तो पहले चौथी लिखते हैं, नंबर फोर डिग्री का नाम है जी परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका ब्रैकेट में लिख लो ED इक्वल्स टू ज़ीरो, और डैश डाल के लिख लो, इसका मतलब है इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ज़ीरो, मतलब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी का ज़ीरो है, शून्य है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। और पांचवा, पांचवे का नाम है परफेक्टली इलास्टिक, ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब होता है ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और एरो डाल के लिख लो इट मीन्स, बताओ इसका मतलब क्या, इट मीन्स चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ज़ीरो, इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। तो ये दोनों थोड़े से काल्पनिक से हैं मतलब हाइपोथेटिकल हैं, तो इसलिए इन दोनों को अलग से लिखा। तो एक को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक और एक को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इन इलास्टिक में ED इज इक्वल टू ज़ीरो है और इलास्टिक में ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल होता है ना ऐसा लेटा हुआ 8, हाँ तो इन्फिनिटी। चलो तो दो चित्र बनाएंगे अब नीचे, तो पहले ओरिजिन मार्क कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस।
चलो तो इस बार मैं बनाते हैं डायग्राम। तो पहले वाले का डिमांड कर्व बनाओ जी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पाई एक्सिस। हाँ टच करेगा। और दूसरे वाले में बनाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या बोला था, मैंने इससे पहले कुछ कोट करा था ताकि बच्चा मेरे बाल नोचने ना आए ना मैं बच्चे के बाल नोचने जाऊँ। मैंने क्या कहा था, ये दोनों केसेस क्या हैं, हाइपोथेटिकल है। तो इसीलिए कहा था ताकि मैं सुरक्षित रहूँ, कोई बच्चा मेरे बाल नोचने ना आए। तो ये काल्पनिक केसेस पढ़ रहे हैं हम। चलो तो लेकिन फिर भी अब केसेस तो हैं। तो पहले पी ज़ीरो मार्क करो। तो क्वांटिटी कितनी, क्यू ज़ीरो। फिर आप प्राइस को बढ़ा दो, पी वन कर दो। तो क्वांटिटी अब भी कितनी, क्यू ज़ीरो। ठीक है, अब प्राइस को चाहे और बढ़ा दो, पी टू कर दो। क्वांटिटी अब भी कितनी, क्यू ज़ीरो। तो जब क्वांटिटी में परिवर्तन ही नहीं आ रहा तो मैं गुंडे को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा हूँ, थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ई डी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो पहला चित्र है बेसिकली वो है, मतलब आप लिख भी सकते हो कि नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हो रही ना जी, है ना। तो इसका मतलब होता है ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही है। हाँ अब बताओ क्या कह रही थी, तो अब ठीक हो गया। चलो अब दूसरा चित्र बनाते हैं। दूसरा तो बिल्कुल ही काल्पनिक है, पी ज़ीरो पर बना लेते हैं क्वांटिटी क्यू ज़ीरो। फिर पी ज़ीरो प्राइस पर ही क्वांटिटी क्या हो गई, क्यू वन। और बढ़ा दो चाहे क्वांटिटी, पी ज़ीरो प्राइस पर ही क्या हो गई क्वांटिटी, क्यू टू। तो इसका मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन प्राइस। तो जब प्राइस ही चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, मतलब एक तरह से एक हाइपोथेटिकल कहानी कि भाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, कि क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है लेकिन प्राइस नहीं चेंज हो रहा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इन्फिनिटी। तो ये दोनों थोड़े हाइपोथेटिकल केस हैं। तो पहले आप ये बना लो। चलो तो अभी जो मैं लिखूंगा वो नहीं लिखना, फिर मैं आपको एक फाइनल समरी क्रक्स लिखवाऊंगा। तो अब जो मैं लिख रहा हूँ वो मत लिखना, सिर्फ ध्यान से सुनना, ठीक है। मैथमेटिक्स में किसी भी फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जैसे उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे लेट से न्यूमरेटर है 10, डिनोमिनेटर है 5, ठीक है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो एक चीज़ जो कन्फर्म्ड है वो ये है कि आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, ठीक है। अब चेंज कर देता हूँ, अब न्यूमरेटर को छोटा कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को बड़ा कर देता हूँ, तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं मैथमेटिक्स, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अब मैं बराबर कर देता हूँ तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे हम कुछ भी फिगर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स की बात है, आप सब बच्चे फेमिलियर होंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को अगर 0 पुट कर दूं तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0 आएगा, ये भी आपने गणित में पढ़ रखा है। और डिनोमिनेटर को अगर 0 पुट कर दूं,
यानी समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर ज़ीरो, तो आंसर नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कह सकते हैं आ जाएगा। तो आप इन पांचों गणित की बातों से बिल्कुल परिचित हैं और संतुष्ट हैं, कोई टेंशन तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें न्यूमरेटर जो है वो बेसिकली है चेंज इन क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली है चेंज इन प्राइस। तो अब यहाँ पर जो ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस लिखे हुए हैं, एन की जगह अपने आप दिमाग में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी रिप्लेस करते रहो, एन की जगह, और डी की जगह अपने आप दिमाग में परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिप्लेस करते रहो। ठीक है, तो आपको जो पांच डिग्री ऑफ इलास्टिसिटियां पढ़ाई हैं, आप देखोगे कि वो बेसिकली यही मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे अब आप अभी देख रहे थे, ऊपर वाली चेक कर लो जाए, अब यहां पर ईडी इक्वल टू जीरो में आप लिख रहे हो नो चेंज इन क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या है टेक्निकली, कि आपका न्यूमरेटर जो है वो क्या है, ज़ीरो, यानी कि आपका चेंज इन क्वांटिटी क्या है, ज़ीरो। जो आपने फिफ्थ वाली डिग्री लिखी जिसमें प्राइस ज़ीरो था, मतलब आपका डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो है तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिट। जब आपने दोनों को इक्वल लिखा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल थे, तो थर्ड वाले में आपका आंसर क्या आ रहा था, इक्वल्स टू वन। इसी तरह आप फर्स्ट वाली भी देख सकते हो, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या आ रहा है, लेस देन वन, और सेकंड वाले में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या आ रहा है, मोर देन। तो आपको लॉजिक समझ आ गया। तो ये बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स का नाम देकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक्चुअल में तो ये पाँचवीं के बच्चे फ्रैक्शंस में बचपन में ही सीख लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो लॉजिक जो है वो तो ये होता है, लेकिन खैर हमें तो ये नहीं लिखना। तो अब आपको एक समरी डायग्राम बनाना है, फिर वो हमसे एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है मतलब, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप स्टार डाल के अलग से एक बड़ा डायग्राम बनाना, थोड़ा सा, एक ही बनाना है बस, ओनली वन डायग्राम। चलो तो बनाओ, तो पहले एक डिमांड कर्व बनाते हैं। हाँ, तो इसे, इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक डिमांड कर्व और बनाता हूँ हरे रंग का, हरे रंग वाले को क्या बोलते हैं, राइट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब आपसे पूछता हूं, फिर आप बताना, आप तो क्योंकि होशियार हो, कि रेड कलर वाले की इलास्टिसिटी क्या है और ग्रीन कलर वाले की इलास्टिसिटी क्या है। वेरी गुड, तो ग्रीन कलर वाले की है ज़ीरो और रेड कलर वाले की है इन्फिनिटी। तो क्लियर हो गया पहचान, आपने अभी अभी बनाए थे। तो जब डिमांड कर्व रेड कलर का होता है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी। और जब डिमांड कर्व होता है ऐसा ग्रीन कलर का, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो देखो ये दो आपने ऊपर बनाए थे, ओके हो गए पहले तो, ठीक है जी। फिर एक और बनाएंगे, पर्पल कलर का डिमांड कर्व, इसे बोलते हैं, लिख लेना नाम, फ्लैटर। हाँ, इसे फ्लैटर बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट है, इसका स्लोप कम है। तब ढूंढो, देख कर आओ जो बनाया था फ्लैटर वाले का, मोर देन वन, राइट।
फिर बनाते हैं एक ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं स्टीपर। तो नेवी ब्लू कलर वाले की इलास्टिसिटी बताओ ढूंढ के, और स्टीपर वाले की ईडी इज लेस देन वन। ठीक है, और फिर बनाते हैं ब्लैक कलर का बीच में, ठीक है, ई डी इज इक्वल्स टू वन। इसको क्या बोलते हैं, सबकी शेप का नाम एग्ज़ाम में पूछता है, हर इलास्टिसिटी के डिमांड कर्व की शेप पूछता है एग्ज़ाम में। तो एक की तो आपने बता दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक की आपने बता दी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक की आपने बता दी स्टीपर, मतलब मैंने बताई, आपने तो चेपी, एक की मैंने बता दी फ्लैटर, हाँ फ्लैटर। तो अब इस ब्लैक वाले की शेप बतानी है आपको, तुक्का अगर किसी को पता है तो। फ्लैट नहीं, और फिर ऐसे तो ऊपर वाला फ्लैट टेस्ट कर दोगे। चलो तो लिखो, ये नाम याद रखना है, नहीं इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों, ये मैथ्स में नहीं पढ़ा शब्द आपने? चलो ठीक है, तो लिख लो फिर, मैं बताता हूँ वैसे क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसकी शेप याद रखनी है, नाम इसलिए थोड़ा अच्छा सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो अब इसमें समरी आ गई पांचों डिग्रियों की। तो रटने वाला बच्चा ऐसे रट सकता है कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर, मतलब वहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, तो इलास्टिसिटी कम हो रही है। जैसे ऐसे देखो, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इलास्टिसिटी कितनी है, इन्फिनिटी। थोड़ा सा नीचे कर दो तो मोर देन वन, थोड़ा और नीचे कर दो तो वन, और नीचे कर दो तो लेस देन वन, और बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो ज़ीरो। तो इलास्टिसिटी जो है मतलब पाँचों डिग्रियाँ ऐसे कम हो रही हैं। क्लियर हो गए पहले? ठीक है, बाकी अब 100-100 रुपए सब बच्चे देंगे मैथ्स की फीस। 100 देने हैं आपको मुझे, वो तो हिसाब में लिख लेंगे आप। चलो देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे बोलते हैं, मैं समझा देता हूँ। ऐसी जैसे मान लो ये वैल्यू है, लेट से ऐसी लिख रहा हूँ, मान लो ये वैल्यू है 6, नहीं नहीं ये मत बनाना, ठीक है, और ये वैल्यू है मान लो 2, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी। फिर मान लो इसको चेंज कर देते हैं पोजीशन को, मान लो यहाँ ले लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं 4, ये वैल्यू ले लेते हैं मान लो 3, एक और चेंज कर लेते हैं, मान लो थोड़ा नीचे यहाँ ले लेते हैं, मान लो ये है 2, ये है 6, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी ले ली। अब देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स बनाए मैंने, एक आप इस ए पॉइंट पे खड़े होकर रेक्टेंगल देखो, मतलब उसको थोड़ा शेड कर देता हूँ, ये वाला दिख गया, दूसरा रेक्टेंगल देखो बी पॉइंट पर खड़े होकर, ये वाला दिख गया, तीसरा रेक्टेंगल देख लो सी पॉइंट पर खड़े होकर हरे रंग वाला दिख गया, मतलब स्क्वायर भी तो है तो फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ही ना, अगर साइड्स इक्वल भी हो गई, वैसे इक्वल है नहीं गुरुदेव। तो अब देखो किसी भी रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, मान लो मैं ए वाले उस काले रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर करूं, तो 6 है लेंथ, ब्रेड्थ है 2, कितना आएगा? बी वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 3, 12। सी वाले रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालूं तो लेंथ है 2, 12। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसे कर्व को बोला जाता है जिसके नीचे आप कितने भी रेक्टेंगल्स बना लो, कितने भी पॉइंट्स से, सबका एरिया सेम होता है, तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं।
ठीक है। चलो तो 100-100 रुपए का जुगाड़ हो गया मेरा, तो गणित की बात सिखा दी आपको। चलो तो खैर आपके, लेकिन 11वीं कक्षा के लिए इकोनॉमिक्स में आपसे सिर्फ शेप का नाम पूछेगा, तो क्या बोलना है आपको शेप का नाम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालना, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें खाली आज एक ही मेथड लिखना है, बस सबसे छोटा वाला, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें लिखो, एक हेडिंग डाल सकते हो, नंबर वन, इस मेथड को बोलते हैं परसेंटेज मेथड, है ना। तो मैंने कहा था ना डिटेल अभी सिखाऊंगा, तो अब मैं डिटेल सिखाता हूँ। जो फॉर्मूला आपने लिखा था ना, उसकी डिटेल अब आएगी। तो पहले फॉर्मूला तो वही चेप लेते हैं ऊपर से जो लिखा था दोबारा से, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी राइट अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो आएंगे चेंज अभी बताऊंगा, उसके 50 रुपये लूँगा अलग से। तो परसेंट, ये सब मैथ्स की बातें, आज तो सारी मैथ्स की बातें पूछ रही हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अभी लिखो मेरे साथ साथ, मैं सब सिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें जो डिटेल सीखनी है, तो पहले स्टार डालता हूँ। अब हम पहले ये देखते हैं कि न्यूमरेटर निकालेंगे कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है आखिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लिखो इज इक्वल टू, वैसे तो यूनिवर्सल तरीका होता है, कभी भी आपको किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसका एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, नया माइनस पुराना होल डिवाइडेड बाय पुराना इंटू 100। नया माइनस पुराना होल डिवाइडेड बाय पुराना इंटू 100। अब बस यहाँ पर क्योंकि हम क्वांटिटी का चेंज निकाल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे सिंबल दे देते हैं, Q1 माइनस Q0 होल डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। हाँ तो ये आप लिख लो। अब नहीं, हम प्रतिशत चेंज निकाल रहे हैं, और चेंज हमेशा निकलता है दो वेरिएबल्स के बीच से डिफरेंस लेकर। तो तुम 10 रुपये एक्स्ट्रा देना। तो Q1 का मतलब लिख लो न्यू क्वांटिटी, और Q0 का मतलब आप लिख सकते हो ओल्ड क्वांटिटी, यहाँ या इनिशियल क्वांटिटी, कुछ भी लिख लो अपने समझने के लिए। तो यूनिवर्सल फार्मूला याद रखना, बस सिंपल है, नया माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इनटू 100। अब देखो इसी तरह जैसे हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो अब यहाँ पर क्योंकि हम प्राइस का परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नया माइनस पुराना होल डिवाइडेड बाय पुराना इनटू 100, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, चाहे P1 मतलब हो गया न्यू प्राइस, और P0 मतलब हो गया ओल्ड प्राइस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी जो है वो भी कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला दोनों का यूनिवर्सल है, नया माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इनटू 100। तो अब लिखो नाउ ईडी इज इक्वल टू, अब मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर रिप्लेस कर दूंगा ये इनके फॉर्मूले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की जगह उसका फॉर्मूला लिख दूंगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह उसका फॉर्मूला लिख दूंगा। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनके फॉर्मूले रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हो मेरे साथ, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इनटू 100, ये तो हो गया न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर हो गया
पी वन माइनस पी ज़ीरो अपॉन पी ज़ीरो इंटू 100। ठीक है, घबराहट तो नहीं हो रही, किसी का बीपी तो नहीं बढ़ गया, नॉर्मल है 120 और 80, 240 तक पहुंच गया इतने में ही। चलो अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, 100 और 100 तो कट गया तो इसको तो छोड़ो, मारो गोली। अब डिवाइड वाली रेड लाइन को ऐसे सिंबल बना के लिख लेता हूँ, हाँ वो अगले स्टेप में कर दूँगा ना, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी तरह घबराते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो अगले स्टेप में कर दूँगा। लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है तो ये लिख लो आप चाहें या मत लिखो, आपकी चॉइस है। अब अगले स्टेप में लिख लेते हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लो, तो वो अब आप कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया, तो ई डी इज इक्वल टू बन गया क्यू वन माइनस क्यू ज़ीरो अपॉन क्यू ज़ीरो इंटू पी ज़ीरो अपॉन पी वन माइनस पी ज़ीरो। लेकिन यहाँ तक भी किताबों के अंदर शांति नहीं रहती, इसको और थोड़ा सा बेहतर करके दिखाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, क्यू वन माइनस क्यू ज़ीरो लिख कर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्यू ज़ीरो को थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देते हैं और पी वन माइनस पी ज़ीरो को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे वैसे आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए किताबों के अंदर आपको फॉर्मूला ये नज़र आ रहा होता है, बात वही है वैसे, मैथमेटिक्स है ना। हाँ और क्या, ये तो ऊपर वाले को ही तो एक्सपैंड करे जा रहे हैं। और अब देखो अगला स्टेप जो लिखूंगा, जो ये महाशय बोल रहे थे, पूछ रहे थे, क्यू वन माइनस क्यू ज़ीरो जो लिखा है न्यूमरेटर, खाली इतना येलो पोर्शन, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज का सिंबल होता है डेल्टा और क्वांटिटी मतलब क्यू, तो हम येलो वाले पोर्शन की जगह डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। एंड सेम वे पी वन माइनस पी ज़ीरो, खाली इतने पोर्शन को हाँ हम चेंज इन प्राइस कह सकते हैं, यानी डेल्टा भी लिख सकते हैं, हाँ बाकी तो एज इट इज़। तो ये भी रिप्लेसमेंट आपको कई बार किताब विताब में दिख जाती है, तो मतलब कैसे मर्जी लिखो अल्टीमेट आंसर सेम ही आएगा, जो अभी एक दो सवाल से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन मेरी, मैं अपनी प्रेफरेंस लिख देता हूँ, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है ये वाला, तो आप सीधा इसको अप्लाई करो तो इससे आंसर भी आ जाता है, थोड़ा इजी भी है याद करने के, बाकी कैसे कोई सा मर्जी लगा लो सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। चलो तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं बस, फिर छुट्टी। देखो क्वेश्चन वन, नहीं 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 छोटे ही छोटे, मैं देखो झूठ कभी नहीं बोलता, आपने देखा पी ज़ीरो इज इक्वल टू, हाँ कभी भी नहीं, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ, कभी कभी झूठ नहीं बोलता। तो पी ज़ीरो इज इक्वल टू 60, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 10, क्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 30 और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 20, ठीक है, चार बातें मैंने आपको दे दी। अब आपको एक फाइंड करना है ई डी, चलो करो पहले आप फिर मैं। चलो तो पहले ये ऊपर वाले ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी ज़ीरो अपॉन क्यू ज़ीरो। तो इसमें आपको चारों चीज़ें दे रखी हैं, बस आपको सिंपली पुट करना है, हो गए पांच लोगों का सेम आ गया 20, और डेल्टा पी में पुट कर दो माइनस 10, पी ज़ीरो में 60 और क्यू ज़ीरो में 30, सारे ज़ीरो कट हो गए, फाइनल आंसर कितना आ रहा है माइनस 4, हाँ सही।
तो देखो अब इसमें ना एक चीज़ लिखवा भी दूंगा आपको, इलास्टिसिटी जो होती है ना ये हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अभी उसका रीज़न बताऊंगा क्यों, पहले आप लेकिन लिख लो, इसीलिए क्वेश्चन भी दिया था। तो बताओ वान्या क्यों होती है, तुम बताओ दिमाग लगा के, हमेशा क्यों नेगेटिव होगी इलास्टिसिटी? लेकिन हमेशा नेगेटिव होगी वो तो मैं सिखाऊंगा, हम बताओ, लेकिन लिखा है ये ट्रू है ऑलवेज नेगेटिव। देखो जब प्राइस घटेगा तो फिर वो माइनस में चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो जब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। और अगर मान लो उल्टा कर देते हैं कि प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है कि नहीं क्वांटिटी और प्राइस का, ये तो मानते हो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अब आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ, इतना तो पता ही होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चाहे ऊपर पॉजिटिव रखो और नीचे नेगेटिव तो भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ऊपर नेगेटिव रख लो और नीचे पॉजिटिव तो भी अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव ही होती है, हमेशा हमेशा क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। अब वो बनाएंगे, अब वो अगले बात में समझते हैं। तो आइए जी, तो एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ज़ीरो इधर आ गया, माइनस वन और क्या आएगा, माइनस सौ, और बिल्कुल एंड में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है भैया, यही है नंबर लाइन, पॉजिटिव में तो जा ही नहीं रहे क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर एग्जैक्टली ज़ीरो है तो इसको बोलते हैं इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो और माइनस वन के बीच में अगर है तो इसको बोलते हैं लेस देन वन। एग्जैक्टली अगर माइनस वन है तो इसको बोलते हैं इक्वल टू वन, यानी यूनिट इलास्टिक। और हाँ, और माइनस वन से तो चाहे जितनी भी हो अंत तक, तो उसको क्या बोलेंगे, मोर देन वन, लेस देन वन। तो जीरो और वन के बीच में हो गया गुरु, ये देखो ना ब्लू कलर, नहीं ये मैथमेटिक्स नहीं है, माइनस इसलिए नहीं लिखते क्योंकि गधा कभी भी अपने माथे पे ये छपवा के घूमता है, मैं गधा हूँ। हाँ बता रहा हूँ, हर चीज़ का रीज़न है, बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। और अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो क्या बोलेंगे, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो देखो पांचों डिग्रियाँ हो गई, अब देखो एक दो तीन चार पाँच, अब रीज़न बता दो। देखो सारी दुनिया ये जानती है, पूरा ब्रह्मांड ये जानता है, इस ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु ये जानते हैं कि ईडी हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या ईडी अपने माथे पर लिख के घूमे, मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि वो सबको पता है कि ईडी जो होता है, ईडी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव साइन जो है ना वो तो बस लगाते इसीलिए नहीं है क्योंकि सबको पता ही है भाई, मान लो गधे के बारे में सबको पता है ना गधा है, तो क्या उसके माथे पे टैटू छपवाएं कि ये गधा है, क्योंकि सबको पता है। बात समझ आई? हाँ, तो हम आंसर में, मतलब आप आंसर में नेगेटिव छोड़ दो, वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में आपको इंटरप्रिटेशंस पता होने चाहिए कि डिग्री लिखते समय जब हम जो डिग्रियाँ लिखते हैं ना ये, तो वो एक्चुअल में सब माइनस ही है, मतलब ज़ीरो के अलावा।
हाँ है, बस लिखना नहीं, क्योंकि सबको पता है भाई। अब अच्छा ये बताओ, अब आप अपना नाम बताते हो तो अपना नाम बताते हो ना, अब ये थोड़ी ना पूरा परिचय दोगे कि भाई मैं दिव्यम, मैं एक लड़का हूँ दिव्यांग। हाँ ठीक, प्यार 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 है तुम्हारे प्रति। चलो बन गया इंटरप्रिटेशन, ओके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सर क्या। अच्छा नहीं नहीं समझ गए ना पॉइंट। हाँ चलो आओ, पहले एक मेन क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, और क्या दो ही करने थे बस आज, बस फिर छोटा ये तो फिनिश, अरे ख़त्म ही हो गया। ई डी इज इक्वल टू माइनस टू, पी ज़ीरो इज इक्वल टू टेन, डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्टी, क्यू ज़ीरो इज इक्वल टू थर्टी, फाइंड डेल्टा क्यू। क्यू हाँ, तो डेल्टा क्यू निकाल लें। चलो कर लेते हैं सॉल्व, फॉर्मूला वही लगाते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी ज़ीरो अपॉन क्यू ज़ीरो। ई डी की जगह आप माइनस टू पुट कर लो, डेल्टा क्यू की जगह एक्स लिख देता हूँ, और डेल्टा पी 40 और पी ज़ीरो 10 और क्यू ज़ीरो 30। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 4 3 12, तो x कितना आ गया -2। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है इसलिए नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये सही है वैसे मैथमेटिकली, मतलब चेंज इन क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, छुट्टी डन।